टॉस जीत गई है मदीरा, ये लीजिए। कौन खेलेगा बताइए? आपकी टीम खेलो ना। जो टॉस जीतता है वो ऑब्वियसली जाता है ये सामने वाली टीम आई। कौन हमारी ये ना, जितने भी लोग हैं जिनको दिमाग की जरूरत है उनको ले आए। अच्छा गेम, इन लोगों को पता है ये बॉल आपने सर के ऊपर रखना है, एक स्पून आपके हाथ में होगा, उससे आपने कॉटन जमा करनी है इस बॉल के अंदर। लेकिन याद रहे आपने थंब यूज नहीं करना, जितनी कॉटन आपके स्पून में आएंगी सिर्फ वही काउंट होगी। और मैं देख रहा हूँ इस वक्त कि कौन कौन थंब यूज करता है या नहीं। चलो भाई, एक मिनट का टाइम है आपके पास। स्लंबर शेड्स पहना दिए गए हैं, बहुत आला। अब तीन कदम आगे आकर बाएं हो जाए फिर आए हो जाए। चलो ये बॉल आप सर पे रखिए। सर पे रखो ये। हाँ शाबाश। चलो यहाँ पे काउंट को पता चल रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। क्या हो गया है, दिमाग किधर है तुम्हारा? यहाँ पे चलो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। रेडी रेडी गो। हाँ बहुत भर रही है भाई, आप भी कर सकते हो। अच्छा जी, इनके 15 एक मिनट लेट मी डिसाइड। 15 काउंट नहीं होंगे इसमें से, 15 माइनस हो जाएंगे काशिफ, जितने होंगे उसमें से 15 माइनस होंगे। मैंने पहले ही कहा था कि आपने थंब यूज नहीं करना है, जितना कॉटन स्पून में आएगा सिर्फ वही काउंट होगा। आप बार बार थंब यूज करके ये कॉटन जमा कर रही थी, बताइएगा 15 से ज्यादा इन्होंने लिए खोपचे की? नहीं, ऑलमोस्ट 15 ही होंगे। नहीं ये तो धांधली हुई, मोर और लेस 15 होगी धांधली। बिल्कुल नहीं, धांधली हम उन्हें नहीं देंगे, आप अतिरा फिक्र न करें। लेकिन आपने पोजीशन के रंगे ही सर। आपने पोजीशन देखी थी इनकी? नहीं मैं ये इस तरह बैठ के खेलना है चूजों को जूते के डब्बे बंद किए? नहीं मैं इतनी जालिम नहीं हूँ। क्यों करते थे? कौन करता था भाई? नहीं कौन करता है? चूजों के लिए देगा? नहीं नहीं, चूजों के लिए एक पिंजरा होता था। 63 में 15 माइनस हुए 70 हो गए। नहीं भाई 63 में, और ये आपके हो गए 48 हो गए। अरे 15 निकाल 48 हो गए। नहीं भाई 15 निकाल के 63। अरे क्या बात है मदिया, आइए जी बहुत आला। 15 निकाल के 63 स्कोर हुआ इनका। आइए जी रेडी है, कौन आप या आप, आपकी मर्जी है। इम्पोर्टेंट है एक पॉइंट, तीन पॉइंट के साथ कश्मीर हीरोज बहुत आगे। अभी रेडी कीजिए ने। चलो भाई एक मिनट का टाइम है, देखते हैं कि आप आज 64 कर पाएंगे या नहीं। और याद रहे अगर आपने थंब यूज किया तो आपके भी माइनस कर दूंगा। चलो भाई रेडी। तो डिस्क्वालीफाई करना चाहिए इन्होंने, इतनी दफा उंगलियां यूं यूं मारी थी और फिर बोलती मेरी पिछली वाली उंगली है। ये पास चार इंच बस स्पून था। चलो भाई थोड़ा आगे हो जाओ सुद्रा। चलो भाई रेडी रेडी गो। तुझको अपने दम नहीं दम नहीं दम नहीं दम नहीं दम नहीं दम दो बार थंब यूज किया है, इसलिए इनके 10 माइनस कर दो यार। नहीं करो आप तो तीन बार थंब यूज नहीं किया, पांच पांच माइनस करो।
ना आपका हमारा वजन 20 कर। मैंने देखा था और इन सब ने भी देखा था और जितने लोग बैठे हैं वो भी देखे। अच्छा जो भी टीम फेयर प्ले नहीं करती है, जो ठीक तरह से नहीं करती है, आप लोग चाहे तो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं, उनके खिलाफ बता सकते हैं। और अपने दो इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो जो टीम फेयर प्ले कर रही है उसको दे दीजिएगा, आपकी मर्जी है। अब लोग भी देख रहे हैं। हाँ जी बताइए काशिप, देख लो जितनी टैगिंग होगी, जितनी पोस्टिंग होगी वो सब काउंट होगी। कितने हैं भाई? 14, 15, 18, 50, 80, 90। हाँ भाई काशिप, 80 माइनस करके माइनस, हाँ करने इसमें से 10 माइनस करने, 17 है। क्या बात है यार, बहुत आला, थैंक यू गुड जॉब। हाँ भाई माइनस करें तो कुछ लोग जो कह रहे थे, एक मिनट नहीं, कुछ लोग थे जो कह रहे थे सिद्रा को, तो ये चैंपियन है, जज्बा दिखा रहा था ना, जज्बा बढ़ाना चाहिए, जज्बा सिद्रा वाकई में चैंपियन है। हमारा जज्बा छोड़ो, हम आपको बढ़ाएंगे ना तो मसला हो जाएगा। जज्बा आ गया तो संभाल लोगे, सिद्रा वाकई में चैंपियन है। अगर जज्बा हमारा बाहर आ गया तो संभाल लोगे। देखो सिद्रा ने दिखा दिया कि वो चैंपियन है यार, रमजान है थोड़ा ख्याल किया। नहीं 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 नहीं, हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं। अगर जज्बा उन्होंने आपका बताया उभार दिया, क्या आप हरा सकते हो हमें फिर भी? तो वो गेम में देखेंगे ना, जैसे व्हाट्सएप पर बात, हम भी गेम में बता, तुम भी आपका गेम। इस रमजान होगा पूरा पाकिस्तान हमारा मेहमान। 6 टीम, 5 सूबे, 1 शहर कश्मीर, 6 सेलिब्रिटी कॉमेडी गैंग आपको हंसाने और बाजी करने आपके नाम आ रहे हैं खेलने। खुश रहो पाकिस्तान 2020। आपके अपने सूबे की नुमाइंदगी करेंगे हमारे कॉमेडी किंग। क्या आप तैयार हैं अपनी पसंदीदा टीम को जितवाने? क्योंकि खेलेंगे आप इस रमजान खुश रहो पाकिस्तान 2020। खुश रहो पाकिस्तान 2020 रोजाना सुपहर 3 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।